नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच चल रही लड़ाई को 3.5 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान जहां गाजा में भारी तबाही देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों के मारे जाने पर हर दिन तेल अवीव में मातम दिखाई दिया। गाजा में हमास की सुरंगें इजरायली सेना का मौत का समान साबित हो रही हैं। इन्हें ढूंढने में और नष्ट करने में इजरायली सेना पूरी तरह से नाकाम रही। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 114 दिन की जंग के बाद गाजा में हमास की सुरंग नेटवर्क का 80% हिस्सा अभी भी बरकरार है। अखबार ने यह रिपोर्ट अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से छापी है। इसमें कहा गया है कि ये आकलन करना मुश्किल है कि इजरायली सेना ने भूल भुलैया का कितना हिस्सा अभी तक नष्ट किया है, लेकिन जो भी सुरंगें अभी तक पकड़ी है और नष्ट की है वो शायद 20% ही हो सकती हैं, जो निश्चित तौर पर इजरायली सेना के लिए एक झटका है। आपको बता दें, हमास की कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की तलाश में इजरायली सेना ने गाजा में हमास की सुरंगें जो मौजूद हैं उन्हें ढूंढने और नष्ट करने का अभियान चला रखा है। कुछ सुरंगें पकड़ी भी गई, लेकिन अभी तक बंधकों का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। खिसियाई इजरायली सेना ने कुछ सुरंगों पर बमबारी की तो कुछ सुरंगों में पानी तक छोड़ दिया, लेकिन इजरायली सेना को गाजा में अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि 3.5 महीने की मशक्कत के बावजूद भी इजरायली सेना हमास की कुल 20% सुरंगों को ही पकड़ पाई है। फिलहाल दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना और अल कस्साम के लड़ाकों के बीच घमासान जारी है। आपको उसकी भी झलकी दिखा देती हूँ। اللهم رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر ولله الحمد. لبيك يا الله، لبيك يا أقصى. आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।